नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आया हूं जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि सॉरी दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से जनरल नॉलेज की वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों, जिसकी वजह से ये वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों, आज से आपके लिए जो है वो हमेशा की तरह जैसे मेरे चैनल पर आपको जनरल नॉलेज की वीडियोस मिलती रहती हैं, उसी तरह से दोस्तों आपके लिए आज से डेली एक वीडियो जनरल नॉलेज की मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमारा चल रहा है इंडिया जीके। तो इंडिया जीके के दोस्तों जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं पूरे के पूरे आपको कवर कराऊंगा। और आपको दोस्तों एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो किस टाइम चाहिए वो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिस टाइम के आएंगे उसी टाइम पे मैं इस वीडियो के लिए अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई। ठीक है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1964 में एंड ऑप्शन डी 1960 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1960 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी 1960 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए उत्तरी एशिया, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण एशिया। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है वो एशिया के दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा है, इसीलिए भारत आता है दक्षिणी एशिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी कांडला। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। तो दोस्तों, विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH10, ऑप्शन सी NH7 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी NH7। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7। तो NH की दोस्तों यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता होगी, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि NH की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल हाईवे। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी कोयली एंड ऑप्शन डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जामनगर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डेली PDF मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से बिना जुड़े चाहते हैं तो आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और होगी कि दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आज से मैं अपने चैनल पर आपके लिए जनरल नॉलेज की वीडियोस डेली अपलोड करूंगा और इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। वन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5वां स्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, जो बुक्सा बाघ परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है। ठीक है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कार्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, कार्बेट नेशनल पार्क के लिए सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया गया था। ये सबसे पुराना भारत का जो है वो पार्क है। ठीक है, ऑप्शन और ये सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके काजीरंगा अभ्यारण्य, गिर वन्य अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एंड ऑप्शन डी होगा आपका, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काजीरंगा अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो आसाम में स्थित है और यहाँ पर भारतीय गेंडे पाए जाते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। तो दोस्तों अभी भी जून चल रही है तो आपके लिए ये ऋतु पता होना चाहिए कि इस समय कौन सी ऋतु भारत में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जून से सितंबर के बीच में जो है वो भारत में वर्षा ऋतु रहती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन थे वो इंडिया जीके से लिए हुए हैं, मतलब इंडिया जीके का दोस्तों ये मतलब है कि मेरे आगे की जो भी वीडियोज आएंगे उसमें इंडिया के संबंध से ही, मतलब इंडिया के बारे में ही आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में इंडिया जीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज से आपके एक नई वीडियो मिलेगी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।